मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सुबह चूक हुई। एक बाइकर्स उनके मॉर्निंग वॉक के दौरान चढ़ गया सड़क पे, फुटपाथ पे चढ़ गया। मुख्यमंत्री को अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद तमाम जो व्यवस्था है सर्कुलर रोड की बदल दी गई है। अब सर्कुलर रोड को वन वे कर दिया गया है। जो लोग इस सड़क पे, जो कार्यालय हैं सरकारी, उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दिया जा रहा है। ब्रैकेटिंग कर दिया गया है मुख्यमंत्री आवास के ठीक सर्कुलर रोड का। यह देखिए बोर्ड लगा है सीएम आवास का यह है, और यहाँ से आगे जो 10 सर्कुलर आवास की तरफ, राबड़ी देवी के आवास की तरफ जो सड़क जाती थी, जो आगे 7 सर्कुलर आवास और सीएम के जनता दरबार की तरफ होके हुए निकलती थी, इस सड़क को फिलहाल वन वे कर दिया गया है। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है, किसी भी अन्य लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के जवान की तैनाती कर दी गई है। क्या कुछ आदेश है, क्या कुछ आदेश आपको दिया गया है सर? हमको आदेश दिया गया है सर, जो इधर से जो गाड़ी आएगा ना पब्लिक प्लेस वाला, उधर से नहीं जाने देना है। और बाकी जो स्टाफ हैं बगल का जिसका ऑफिस है, वो लोग जाएगा अपना कार्ड दिखाएगा, जाएगा। बाकी आम लोगों को नहीं जाने देना है। तो सीधे तौर पे अब ये आम रास्ता नहीं रह गया। आम लोगों के लिए आज से 10 सर्कुलर आवास की तरफ से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि इसी सड़क पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। देखिए ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो मौजूद हैं, और ठीक ये फैसला लेने से पहले जो एसएसजी के कमांडेंट है वो पहुंचे थे, पटना के जो सीनियर एसपी हैं वो पहुंचे हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी हैं वो पहुंचे हैं, और पूरे इलाके का उन्होंने मॉनिटरिंग किया। और मॉनिटरिंग करने के बाद ये फैसला लिया गया कि अब आगे इस रास्ते में नहीं किसी को जाने दिया जाएगा, अब ये आम रास्ता नहीं है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए एक अणे मार्ग से निकलकर 7 सर्कुलर मार्ग की तरफ फुटपाथ पे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तमाम जो पुलिस पदाधिकारी थे वो लगे हुए थे, लेकिन पुलिस की भारी भीड़ देखते हुए एक बाइक सवार जो जिस पर 2 लोग सवार थे वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को तोड़ते हुए सीधे सीएम के काफी करीब पहुंच गया। उसके बाद उसे पकड़ा गया। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को 7 सर्कुलर आवास पे बुलाया, और फिलहाल जहां बैठक चल रही है, तो अब जिस सड़क पे हम खड़े हैं यह सड़क अब आम सड़क नहीं रह गई। देखिए ब्रैकेटिंग करने के लिए जो ट्रक है उसे उस पर भर भर के तमाम जो ब्रैकेटिंग के जो सामान है उसे लाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान को खड़ा कर दिया गया है, और किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी 10 सर्कुलर आवास की तरफ जाने वाले लोगों को फिलहाल अपनी गाड़ी छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा। बाइकर्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी बाइकर्स इस रास्ते से नहीं जाए। इस रास्ते को वन वे कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी खुद इस इलाके का मॉनिटरिंग किए, और उन्होंने आनंद फानंद में यह निर्देश दिया कि फिलहाल इस रास्ते को वन वे किया जाए। उसके बाद आगे इस रास्ते पर आम लोगों के आने जाने के लिए इजाजत दी जाएगी या नहीं, उस पर विचार चल रहा है। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है जो 7 सर्कुलर आवास की तरफ जाता है, यानी मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क को फिलहाल वन वे कर दिया गया है, और आगे इस सड़क पर आम लोगों के आने जाने की पाबंदी लग सकती है। देखिए किस तरीके से तमाम जो सड़क है इस पर ब्रैकेट करके ट्रैफिक पुलिस के जवान को खड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में इसी सड़क पर आज सुबह बड़ी चूक हुई थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। उन्हें भी यहाँ पर बकायदा लगा दिया गया, और इनका यहाँ पर कोई दूसरा था, लेकिन हम है अभी दूसरा पोस्ट से आए, हमको उतना जानकारी नहीं। अभी हम पुनाई चक में ड्यूटी, इधर किसी को जाने नहीं देना है अभी, तत्काल अभी नहीं जाएंगे यहाँ पर कोई भी पाए तो। देखिए कि कोई भी हो और भले ही वो मुख्यमंत्री आवास हो, किसी को जाने नहीं दिया जाना है। Thank you.
सर इसको कहाँ उतारना है? नहीं उतारना, पैकेटिंग के लिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।